दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे हम कौन सा पिलो यूज़ करें, तो पिलो के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ के पिलो के हमने वीडियोज़ भी बना के रखे हैं, मगर ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनको नेक पेन रिलेटेड इश्यू है, जो साइड स्लीपर है, जिन लोगों को पतला पिलो पसंद है और जिन लोगों को थोड़ा हाइट वाला पिलो भी पसंद है। तो एक ही पिलो के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। इस तरीके का पिलो हम देखने वाले हैं। ये है 100% नेचुरल लेटेक्स से बना हुआ पिलो। देखिए इस तरीके का कर्व पिलो है। पहले हम इसको ओपन करते हैं। ये लेटेक्स से बना हुआ पिलो है तो इसका जो फील है वो माइनर सॉफ्ट और बाउंसी वाला है। देखिए मटेरियल पूरा लचीला मटेरियल लग रहा है। देखिए देखिए इसका लचीलापन, आप देखिए लचीलापन भी प्रॉपर इसके अंदर है, सॉफ्टनेस भी है और उसके अंदर पिन होल होते हैं देखिए इस तरीके के, ताकि गर्मी रिलेटेड इश्यूज ना आए इसके अंदर। तो इस तरीके का ये पिलो है, इसे नेचुरल लेटेक्स कव पिलो कहते हैं। देखिए इस तरीके का कव बना हुआ होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं साइड स्लीपर हूँ और इसके ऊपर सो रहा हूँ तो देखिए आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पर नेक और हेड के बीच में जो गैप बन रहा है, इस गैप को ये फील कर रहा है। देखिए ये स्पेशल फॉर साइड स्लीपर, ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का पार्ट है आगे वाला, ये यहाँ पर फिट हो रहा है। देखिए ये जो गैप है इसको फील कर रहा है और हेड एरिया है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो नेक को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है इस पिलो के अंदर, आप देख सकते हो। देखिए साइड स्लीपर के लिए स्पेशली, और इसका जो फील है वो भी सॉफ्टनेस वाला है, माइनर बाउंसी फील है, तो हेड को ये सपोर्ट भी दे रहा है। और अगर आप बैक स्लीपर है तो देखिए बैक स्लीपर के लिए भी आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो गैप बन रहा है, अगर ये गैप फील नहीं होता है पिलो के अंदर तो आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता नेक एरिया में, तो हो सकता है यहाँ पे पेन रिलेटेड इश्यूज़ हो। मगर इस तरीके का पिलो अगर आप यूज़ करते हो तो देखिए आपको आइडिया आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ये नेक का एरिया है, यहाँ पे प्रॉपर फील हो गया है, वो पार्ट है वो। तो अगर आप बैक स्लीपर है तो भी इस तरीके का पिलो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए बाउंस बैक भी है। जैसे ही हम इसके ऊपर हेड ऐसे इस तरीके से रखता हूँ तो बाउंस दे रहा है और इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं है कि अनकम्फर्टेबल लगे, सॉफ्टनेस वाला पिलो है लेटेक्स का। और अगर आपको इसके अंदर हाइट वाला पोर्शन यूज़ करना है तो आप इसको इस तरीके से घुमा देना है। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो हाइट वाला पोर्शन हो गया। देखिए इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। देखिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आपको हाइट वाला पार्ट यूज़ करना है तो। नॉर्मल जब हम फाइबर पिलो वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या दिक्कत आती है कव पिलो की कंपेरिजन में, देखिए ये फाइबर पिलो है। अगर मैं फाइबर पिलो यहाँ पर रख रहा हूँ और इसके ऊपर सोता हूँ तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है इस तरीके के पिलो को इस तरीके से ऐसे करके सोना पड़ता है तो नेक को सपोर्ट मिलता है, फिर भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहता नॉर्मल फाइबर पिलो। इसकी कंपैरिजन में अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो गैप है वो फील नहीं हो रहा है इस पिलो के अंदर, मगर इसकी कंपैरिजन में अगर लेटेक्स पिलो रखते हैं तो आपको डायरेक्टली आइडिया आ जाएगा किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए ये जो नेक का एरिया है यहाँ पे प्रॉपर ये ऊपर का जो ये पार्ट है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो लेटेक्स का पिलो बेटर रहेगा उन लोगों के लिए जिसको नेक पेन रिलेटेड इश्यूज़ है, थोड़ा सॉफ्टनेस वाला, थोड़ा लग्जरियस बाउंस बैक वाला पिलो पसंद है, उन लोगों के लिए इस तरीके का पिलो बेटर रहेगा। देखिए ये लचीला भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर इस तरीके का हमने कवर लगा के दिया है। देखिए जैसे इसको ओपन करते हैं, ये जिप कवर होता है, इसको वॉश भी आप कर सकते हो। देखिए इसको वॉश करके वापस अनजिप कर सकते हो आप। तो इस तरीके का ये लेटेक्स पिलो है। दोस्तों अब इस पिलो के डायमेंशन देखते हैं। देखिए 23 इंच है। अगर इसका हाइट देखें तो ऑलमोस्ट इसका हाइट है 5 इंच का बैक साइड के अंदर, और फ्रंट में अगर इसका हाइट देखें तो ऑलमोस्ट है 3.75 इंच का, और बीच का एरिया अगर देखें तो ऑलमोस्ट है 3.5 इंच का। तो इस तरीके का इसका डायमेंशन है। अगर इसका ये वाला पोर्शन देखें तो ये है 15 इंच का, देखिए 15 इंच का। तो इस तरीके के डायमेंशन है इस पिलो के। दोस्तों जो आप बेड शीट लेते हो उसके साथ जो पिलो कवर आता है वो कवर इसके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको स्पेशली स्ट्रेचेबल कवर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए इस तरीके का ये स्ट्रेचेबल कवर है, यह फैब्रिक है, ये स्ट्रेचेबल है। देखिए क्योंकि अगर पिलो सिंक होता है तो साथ में फैब्रिक भी वर्क करना चाहिए। अगर इसके ऊपर आप नॉर्मल जो कॉटन का फैब्रिक आता है वो आप लगा देते हो तो पिलो का इतना ज़्यादा फील नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको जो फैब्रिक चाहिए इस तरीके का फैब्रिक बेटर रहता है, स्ट्रेचेबल वाला फैब्रिक।
दोस्तों बात करते हैं इस पिलो के कॉस्टिंग के बारे में। इस पिलो का अगर रेट देखें तो ऑलमोस्ट इसका MRP है 1999 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के आसपास इसका MRP है। इसके अंदर कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर चलता रहता है तो वो एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक नंबर दे दिया है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस पिलो की तो पैन इंडिया डिलीवर होता है इस तरीके का पिलो, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको फिर भी इस पिलो के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।